नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेज हवा के झोंके में ढह गया 1710 करोड़ के पुल का स्ट्रक्चर। सुल्तानगंज जगबानी पुल में भ्रष्टाचार उजागर, जांच शुरू। पूर्णिया में ग्रेन बेस्ड एथेनॉल फैक्ट्री का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। सीएम ने कहा बिहार में उद्योग का होगा विस्तार। फॉर्म भरने से रोके जाने के विरोध में छात्रों ने विश्वविद्यालय में किया हंगामा। फी माफ करने की मांग। लंबे विवादों के बाद शांतिपूर्ण संपन्न हुआ जिला विधिक संघ का चुनाव। 21 पदों के लिए 75 उम्मीदवारों का भाग्य मत पेटी में बंद। और माह रमजान के अंतिम पड़ाव पर शहर में कई जगहों पर दावत इफ्तार का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज में निर्माणाधीन अगवानी पुल का स्ट्रक्चर देर रात तेज आंधी बारिश के कारण गिरकर ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन अगवानी पुल का पिलर नंबर 4, 5 और 6 के ऊपर बना स्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। हालांकि घटना के वक्त पुल के आसपास कोई नहीं था, जिससे किसी की जान नहीं गई। वहीं तेज आंधी और बारिश से अगवानी पुल गिरने की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, सीओ शंभुशरण राय, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू देर रात घटना स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण करते हुए हालातों और अगवानी पुल के की गुणवत्ता की जानकारी ली। इस दौरान विधायक ने कहा कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है, उससे साफ है कि इसके निर्माण में किस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है, जबकि मामले की जांच में दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने अगवानी पुल निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने पर पुल का स्ट्रक्चर गिर जाने की बात करते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी अगवानी पुल का निरीक्षण किया था, जिसमें बालू के साथ मिट्टी मिलाकर पुल निर्माण की बात सामने आई थी, जिसको लेकर पुल निर्माण कार्य करा रहे अधिकारियों को बालू से मिट्टी हटाकर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज में बन रहा यह महासेतु बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस हादसे के बाद अब पूरे पुल निर्माण की गुणवत्ता की जाँच कराई जाएगी, तभी इसका निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही विधायक ने कहा कि इस घटना की सूचना मुख्यमंत्री और वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है और मामले की जांच उच्च अधिकारियों से कराई जाएगी, जिससे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। जो देखा तुमने भी देखा, पूरा पब्लिक देख रहे हैं कि 5 नंबर पिलर के दोनों बगल 18-18 जो स्लैब गिर गया है। अब तुम देखो, लगता है कि मिट्टी से ढाल दिया इसको। हमने खबर कर दिया सीएम साहब को और डीएम साहब को भी खबर हो गया, वो भी अपना प्रक्रिया कर रहे हैं। हम लोग भी सरकारी प्रक्रिया करावेंगे, सीएम साहब से बात होगी, इसका उच्च स्तरीय जांच करावेंगे और किसी को जो दोषी होगा उसको पछड़ी नहीं देंगे। कारण ये सीएम साहब का सुल्तानगंज का ड्रीम प्रोजेक्ट था। सुल्तानगंज में ये पुल बड़ा संघर्ष के बाद बनना शुरू हुआ। भागलपुर अगवानी सुल्तानगंज पुल का स्ट्रक्चर तेज आंधी बारिश में गिरकर ध्वस्त होने की घटना के बाद बिहार सरकार पुल निगम के एमडी पंकज पाल और भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन अधिकारियों के साथ पुल का निरीक्षण करने शनिवार को सुल्तानगंज पहुंचे। इस दौरान एमडी पंकज कुमार पाल एवं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने पुल निगम के अधिकारियों एवं विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, सांसद प्रतिनिधि पवन किसान, जन कल्याण संघर्ष समिति के अजीत कुमार सिन्हा के साथ संयुक्त बैठक कर दुर्घटनाग्रस्त पुल के बारे में जानकारी ली। वहीं इसको लेकर एमडी पंकज पाल ने बताया कि देर रात तेज आंधी होने से पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसको लेकर जांच टीम द्वारा पड़ताल की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। एमडी ने कहा कि क्षतिग्रस्त पुल के 36 लैप के मैरियट में नुकसान हुआ है, लेकिन इस पुल से कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके अलावा डीएम सुब्रत कुमार सेन ने पुल का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्माण कराने और इस हादसे के कारणों की जांच के बाद दोषी पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। वहीं निरीक्षण के दौरान सदर एसडीओ धनंजय कुमार, जीएम जेके गर्ग, पुल निगम के अधिकारी सुरेश कुमार, प्रवीण राठौर को भी वरीय अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर सुल्तानगंज सीओ शंभुशरण राय, वीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, थानाध्यक्ष लाल बहादुर सहित पुल निगम के अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। निर्माणाधीन हम लोगों का पुल था जो सुल्तानगंज अगवानी घाट के बीच में बन रहा था, इसमें कल रात लगभग आज प्रातः सुबह 4 बजे कुछ स्पैन जो पायलोन के ऊपर लगाए गए थे
वो स्पैन जो है ध्वस्त हुए और नीचे गिरे, तो इसके लिए क्या कारण रहे जिम्मेदार, हम लोगों ने एक उच्च स्तरीय तकनीकी जांच दल का गठन किया है जिसमें एक प्रोफेसर NIT पटना से यहां पहुंच चुके हैं, प्रारंभिक सर्वेक्षण उन्होंने कर लिया है और इसके अतिरिक्त IIT रुड़की से प्रोफेसर भार्गव और डॉक्टर महेश टंडन जो कि ब्रिज और केबल स्टे ब्रिज के एक्स्ट्रा डोज के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के साथ 5 बजे एक हम लोगों की जूम पर मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है। मंडे को उनकी टीम भी यहां आ जाएगी और पूरी स्थिति का अध्ययन करेगी। कल इसकी ड्रोन फोटोग्राफी हम लोग कराएंगे कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, और यदि कोई ऐसी बात है जहां पर चूक हुई है तो चिन्हित लोगों को करके उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी। पूर्णिया में एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक परिसर का निरीक्षण कर परिसर में वृक्षारोपण भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया से एथेनॉल का उत्पादन शुरू होने की बात करते हुए कहा कि इसके लिए कच्चे माल के तौर पर मक्का और चावल का प्रयोग किया जाएगा। CM ने कहा कि इथेनॉल का उपयोग पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में किया जाएगा और जल्द ही बिहार के और भी कई जिले में प्लांट लगाया जाएगा। वहीं उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार उद्योग के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में पूर्णिया में मुख्यमंत्री के हाथों इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में शनिवार को हॉस्टल के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। PG सत्र 2018-20 का परीक्षा फॉर्म भरने से रोके जाने के विरोध में छात्र काफी आक्रोशित थे। वहीं गुस्साए छात्रों ने प्रशासनिक भवन को बंद करा दिया और अपनी मांगों के समर्थन में गेट के बाहर धरना पर बैठ गए। छात्र नेता लालू यादव ने कहा कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2017-19 के छात्रों का फीस माफ कर फॉर्म भरने की अनुमति दी थी। छात्रों ने कोरोना काल के दौरान छात्रावास फीस माफ करने की मांग की है। छात्रों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पत्र देकर हॉस्टल के फीस की राशि समांजन करने का अनुरोध किया है। विश्वविद्यालय EIW प्रोविंसी सर से मुलाकात हुआ, सभी विद्यार्थी छात्र छात्राएं के फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरने में रोक दिया गया है, जो कि पहले 17-19 का सेशन में कुछ लड़के का फीस माफ किया गया था जो हॉस्टल में रह रहे थे, और आज 18-20 का सत्र वाले के लड़के को फॉर्म रोक दिया गया है। इसलिए हम लोग हॉस्टल के जितने भी लड़के हैं, सभी विभाग के लड़का छात्र छात्राएं जो भी हैं, फीस माफ करवाने के लिए हम लोग आए हुए थे और हॉस्टल में तरह तरह के बुनियादी सुविधा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार जो COVID-19 में कोरोना काल में छात्रावास बंद था, तो आठ मंथ छात्रावास बंद रहा, जिसका सुविधा 17-17-19 के छात्रों को पूरा मुआवजा दिया गया, उन लोगों का सभी का शुल्क माफ किया गया छात्रावास शुल्क। ठीक उसी समय 17-18-20 के छात्र भी छात्रावास में थे, तो हम लोग भी 8 महीना अनुपस्थित थे, तो ठीक वही 8 महीने का मुआवजा हम लोग को भी दिया जाए। इसमें जो भी हॉस्टल में लड़का या लड़की जितना भी है, सबका जो रह रहे हैं 17-18-20 के, उन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाए। भागलपुर जिला विधिक संघ का त्रिवार्षिक चुनाव शनिवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। DVA के चुनाव में कुल 21 पदों के लिए हुई वोटिंग में 75 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतपेटी में बंद हो गया। वहीं शनिवार की सुबह 8 बजे मतदान शुरू होने के बाद वोटिंग के लिए बनाए गए 8 मतदान केंद्रों पर दिन भर अधिवक्ताओं के आने का सिलसिला जारी रहा, जहां कतारबद्ध होकर बारी बारी से सभी अपने मताधिकार का प्रयोग किए। इधर मतदान को लेकर निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि चुनाव में 21 पदों के लिए 75 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके भाग्य का फैसला 2621 मतदाता द्वारा मतपेटी में बंद हो गया। उन्होंने कहा कि चुनाव काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसका परिणाम 1 मई से शुरू होने वाली मतगणना के बाद घोषित कर दिया जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, कोषाध्यक्ष, असिस्टेंट और कार्यकारिणी सदस्य के पदों के लिए कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि लंबे समय से भागलपुर जिला विधिक संघ के चुनाव को लेकर विवाद चल रहा था और इसको लेकर कई बार DVA और कचहरी परिसर में आपस में अधिवक्ताओं की भिड़ंत भी हो चुकी है, जिससे DVA और अधिवक्ताओं की खूब किरकिरी भी हुई है। जिला विधि संघ चुनाव 2022-24 की जो शुरुआत कर दी गई है, 8 बजे निर्धारित समय पर वोटिंग स्टार्ट करवा दिया गया है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। सारे मतदाता में काफ़ी खुशहाल है और सब लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में लग के पूरा एंजॉय कर रहे हैं। 80% चुनाव मतदान होंगे।
भागलपुर रामसर चौक स्थित अम्मा जी सेवा केंद्र में शुक्रवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। दावत इफ्तार में भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह, सिटी मैनेजर रवीश चंद्र वर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, डॉक्टर मजहर अख्तर शकील, डॉक्टर योगेंद्र महतो, प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, डॉक्टर रतन मंडल, के राजू समेत सभी धर्म के लोग शामिल हुए। अम्मा जी सेवा केंद्र के अध्यक्ष मुजफ्फर अहमद, सचिव जयप्रकाश यादव और सैयद जीजा हुसैन ने बताया कि माह रमजान रहमतों और बरकतों से भरपूर है। उन्होंने कहा कि इफ्तार पार्टी के माध्यम से हम लोग समाज में आपसी भाईचारा, सद्भाव और मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। वहीं रोजेदारों ने इफ्तार के पूर्व सामूहिक रूप से देश की तरक्की और विश्व में शांति की दुआ मांगी। इफ्तार पार्टी में शामिल लोगों ने अम्मा जी सेवा केंद्र के कार्यों की सराहना की। मौके पर प्रोफेसर देव ज्योति मुखर्जी, बादशाह खान, डॉक्टर सलाहुद्दीन हसन, एनुल होदा समेत कई लोग मौजूद थे। आज की इफ्तार पार्टी के माध्यम से क्या संदेश है? हम लोग हर साल इफ्तार पार्टी करते हैं, इस बार भी हम लोग अम्मा जी सेवा केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसका जो मेन मकसद कि आपसी सौहार्द बना रहे, आपसी प्रेम हम लोग का जो बना रहे, आपसी जो यहाँ पर जो गंगा जमुना तहजीब है भागलपुर की वो बरकरार रहे। जो आज के जो माहौल है आपस में, जो गंदगी फैल रही है, जो बुराइयाँ फैल रही हैं, उसको दूर करने के लिए एकता ज़रूरी है। इसलिए हम लोग सभी धर्मों के लोगों को यहाँ बुलाकर हम लोगों ने एक साथ अफ्तारी की, जिससे एक संदेश जाए समाज में कि नफ़तों की कोई जगह नहीं है और मोहब्बतों के लिए पूरा शहर खुला हुआ है, पूरा आसमान खुला है मोहब्बतों के लिए। आज के इस अफ्तार पार्टी देने का यही मना उद्देश्य रहा है अम्मा जी सेवा केंद्र का। भागलपुर में जो गंगा जमुना जमुनी की तहजीब है उसको कायम करते हुए भाईचारे का संदेश फैलाना है। यहाँ पर अधिकतर इंटेलेक्चुअल पर्सन के लोग आए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं। भागलपुर मौलाना चक स्थित मियां साहब मैदान में शनिवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने शिरकत की। वहीं दावत इफ्तार में पहुंचे समाज सेवी विजय यादव ने कहा कि यह सांप्रदायिक एकता और भाईचारे का संदेश देता है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमजान की मुबारकबाद दी। इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में 39 के लोगों ने रोजा इफ्तार किया। वहीं रोजेदारों ने मगरिब की अजान के पूर्व सामूहिक रूप से देश में अमन चैन की दुआ मांगी। रोजेदारों ने कहा कि यह दुआओं की कबूलियत वाला महीना है। इस अवसर पर समाजसेवी मिंटू कुरैशी ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में सौहार्द और प्रेम को बढ़ावा देना है। उन्होंने इफ्तार पार्टी में सहयोग के लिए विजय यादव का आभार प्रकट किया, जबकि विजय यादव ने सामूहिक इफ्तार पार्टी को आपसी सौहार्द का बेहतरीन नमूना बताते हुए कहा कि एक साथ सैकड़ों लोगों का इफ्तार करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने देश में खुशहाली, सलामती और शांति की कामना करते हुए लोगों से भाईचारा के साथ रहने की अपील भी की है। इस अवसर पर मोहम्मद इमरान उर्फ कल्लू, रियाज, बली समेत कई लोग मौजूद थे। ये इफ्तार पार्टी है और ये मियां साहब मैदान में यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे जो सारे लोग देख ही रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में पहुँचे हुए हैं। ये 39 नंबर वार्ड के लोगों के लिए इफ्तार पार्टी रखा गया था और यहाँ पे शहर से विभिन्न जगह से भी लोग पहुँचे हुए हैं। कैसा संदेश रहेगा? संदेश बहुत अच्छे रहेंगे। दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे सम्मिलित हैं, राम रहीम की तरह दोनों भाई मिल के यहाँ पे हर त्यौहार मनाते हैं, मनाते आए हैं और मनाएंगे। ये बहुत अच्छा पैगाम रहेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने मियाँ साहब के मैदान में मौलाना साहब वार्ड नंबर 39 में विजय यादव और हमने मिंटू कुरैशी हमने मिलकर और हमारे साथी कल्लू और वगैरह जितने मेरे दोस्त हैं सभी लोग मिलकर एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक तो हम लोग हमेशा देते आते हैं, फिर भी लेकिन रमजान के मुबारक मौके पे विजय यादव जी ने बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा लिया और ये कहा कि हम लोगों के इस पाक महीने में माह रमजान में एक अवतार का कार्यक्रम होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये कार्यक्रम। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्र
छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। नवगछिया प्रखंड के तेतरी पंचायत से कुल 4 किसानों को जर्दालू आम उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें किसान नरेंद्र कुमार सिंह, अरविंद चौधरी, अंगद राय और मिंटू देवी का नाम शामिल है। वहीं इसको लेकर नवगछिया के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पदाधिकारी कुमार गौतम ने सभी चयनित किसानों के बगीचे में जाकर जियो टैगिंग की गई है। इस दौरान कुमार गौतम ने कम फल उत्पादन को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि किसानों ने इसके लिए वैज्ञानिक एवं बाजार से सही दवाई नहीं मिलने का आरोप लगाया है, जबकि नवगछिया के किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा उन्हें हमेशा दरकिनार किया जाता रहा है। लेकिन इस बार जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अच्छी पहल के कारण नवगछिया के किसानों का भी नाम सामने आया है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। वहीं नवगछिया के किसानों का कहना है कि जिलाधिकारी के स्तर से नवगछिया में भी पैकिंग हाउस की व्यवस्था हो, जिससे कि वहां की पैदावार को विदेशों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके और उन्हें भी उचित मूल्य के साथ एक अलग पहचान मिले। साथ ही कहा कि इस वर्ष प्रकृति की मार किसानों को झेलनी पड़ी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के किसानों द्वारा करीब 100 क्विंटल आम का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। ये चूंकि यहाँ पर जो मैं आया हूँ जर्दालू आम के किसान को प्रोत्साहित करने के लिए, इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं कुमार गौतम, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, नवगछिया भागलपुर में हूँ। चूँकि अभी जर्दालू किसान को उनका आम जो है एपिटा के तहत विदेश भेजवाने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे ज़िले से हमारे प्रखंड के चुने हुए किसान नरेंद्र बाबू के बगान पर हैं। इनके पास 120 से 150 पौधा है और जिसमें ये अधिक से अधिक फल देने के लिए, मतलब कि हमारे डीएम साहब की मीटिंग में भी गए हुए थे, उसी के लिए आज हम जियो टैगिंग करने के लिए हम इनके साथ इनके फील्ड में मौजूद हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजन समिति की बैठक हुई। इस दौरान भागलपुर शहर एवं इसके आसपास स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के समेकित एवं सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने को लेकर भागलपुर आयोजना क्षेत्र का सीमांकन किया गया। आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 218.25 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें शहरी क्षेत्र 30.50 वर्ग किलोमीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 186.53 वर्ग किलोमीटर तय किया गया है। आयोजन क्षेत्र अंतर्गत 3 शहरी प्रशासनिक इकाई में भागलपुर नगर निगम, हबीपुर नगर पंचायत और सबौर नगर पंचायत शामिल है, जबकि इसके अलावा सहजंगी, नूरपुर और जिले के 262 राजस्व ग्राम शामिल हैं। जगदीशपुर सीडी ब्लॉक के 90 राजस्व ग्राम, नाथनगर सीडी ब्लॉक के 103 राजस्व ग्राम, सबौर सीडी ब्लॉक के 59 राजस्व एवं गुराहाटी सीडी ब्लॉक के 10 राजस्व ग्राम शामिल हैं। समीक्षा बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को आयोजना क्षेत्र के नामांकन एवं घोषणा का आशय की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि वर्णित आयोजना क्षेत्र का नक्शा सभी संबंधित अंचल कार्यालयों में अवलोकन के लिए उपलब्ध है, जहां इसके संबंध में आपत्ति और सुझाव भी दर्ज किया जा सकता है। भागलपुर बांका की स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित MLC विजय कुमार सिंह का पीरपैंती स्थित एक विवाह भवन में भव्य स्वागत किया गया। पीरपैंती जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित MLC विजय कुमार सिंह को बुके एवं शॉल देकर सम्मानित किया। वहीं MLC विजय सिंह ने पीरपैंती के विकास के लिए हर संभव कार्य करने का भरोसा दिलाते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से किया वादा पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 18 साल में जो कार्य नहीं किया गया है वह कार्य वो अपने 6 वर्षों के कार्यकाल में पूरा करेंगे। मौके पर जदयू प्रदेश महासचिव विभूति प्रसाद गोस्वामी, विधायक ललन पासवान, मुखिया संघ प्रदेश उपाध्यक्ष झुंपा सिंह, जिला परिषद सदस्य सोनी देवी समेत काफी संख्या में NDA कार्यकर्ता और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पैती के विकास के लिए जो भी आवश्यक काम होंगे वो निश्चित रूप से हम कराने का काम करेंगे और प्रतिनिधियों के लिए जो मैंने वादा किया था और वो उस पर मैं आज भी कायम हूँ और उनके लिए जितने भी उनकी समस्या है उसे समाधान कराने का काम करेंगे और जो 18 वर्षों में अभी तक उतना कार्य नहीं हो पाया उतना काम मैं 6 वर्ष के अंदर उसे पूरा करने का काम। पहले भी कहा है ना कि पैती की जो विकास का हमने दिया है जो रूपरेखा, वो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, सड़क हो, बिजली हो, चाहे भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं। आज मुझे ताकत मिल गई कि अब हमारे एक बड़े भाई हैं और जो कि विधान परिषद में भी इस बात को वहाँ पर उठा सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि हम लोग NDA घटक दल से हैं, हम भाजपा में हैं, भाजपा विधानमंडल की बैठक में भी बात उठाते हैं। ईद को लेकर पिपैती थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने की। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने लोगों से आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में ईद पर्व मनाने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से त्योहार को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की गई है और किसी भी स्थिति में अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर अंचलाधिकारी टी उराव, मुखिया अरविंद शाह, मोहम्मद कमलेन, मोहम्मद चांद अली सहित दोनों समुदाय के लोग और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। राजस्थान के सकराई धाम से चलकर विभिन्न राज्यों एवं शहरों का भ्रमण करते हुए भागलपुर पहुंची श्री शाकंभरी दिव्य ज्योति रथ यात्रा का स्वागत भागलपुर सेवा समिति की ओर से किया गया। दिव्य ज्योति रथ यात्रा भागलपुर द्वार कापुरी कॉलोनी से निकलकर शहर का भ्रमण करते हुए नया बाजार स्थित हिंदुस्तान क्लब पहुंची। इसके बाद सभी भक्तों का निशान मां शाकंभरी के दरबार में चढ़ाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों ने मां शाकंभरी का निशान चढ़ाकर मैया का पूजन कर भजन संध्या में हिस्सा लिया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने माता का आशीष लेकर प्रसाद ग्रहण किया। नाथनगर साहिबगंज स्थित बाबू विष्णु स्थान गंगा घाट में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर यज्ञ स्थल से निकलकर गंगा घाट पहुंची। वही पंडित दिलीप झा के द्वारा मंत्रोच्चार के बाद जल भरकर सभी श्रद्धालु वापस यज्ञ स्थल पहुंचे। इस दौरान भक्त भक्ति गानों के धुन पर भक्त झूमते दिखे। बता दें कि यज्ञाचार्य पंडित दिलीप झा समेत अन्य सहयोगी पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ की शुरुआत 1 मई से होगी, जो 9 मई तक चलेगी। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेज हवा के झोंके में ढह गया 1710 करोड़ के पुल का स्ट्रक्चर। सुल्तानगंज अगवानी पुल में भ्रष्टाचार उजागर, जांच शुरू। पूर्णिया में ग्रेन बेस्ड एथेनॉल फैक्ट्री का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। सीएम ने कहा बिहार में उद्योग का होगा विस्तार। फॉर्म भरने से रोके जाने के विरोध में छात्रों ने विश्वविद्यालय में किया हंगामा। फी माफ करने की मांग। लंबे विवादों के बाद शांतिपूर्ण संपन्न हुआ जिला विधिक संघ का चुनाव। 21 पदों के लिए 75 उम्मीदवारों का भाग्य मत पेटी में बंद। और माह रमजान के अंतिम पड़ाव पर शहर में कई जगहों पर दावत इफ्तार का हुआ आयोजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।